गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस हम सुबह सुबह ही काम करने लग गए थे क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो आज भी थोड़ा बहुत काम करने को था और इतने सारे कपड़े धोने को थे और आज मौसम इतना ख़राब है, बट हमने कपड़े तो सारे धो लिए और सुबह उठते ही मैं काम करने लग गई थी। ब्रेकफास्ट नहीं करा, अब तो भूख भी लग रही हूँ, तो मैं अभी जस्ट नहा कर आ रही हूँ। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि अब तो भूख भी बहुत लग रही है और 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रहे हैं 12 बजने के लिए। तो मैं फटाफट से किचन जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ये गैलरी कपड़ों से भर गई है, ये देखो। और मौसम बहुत ख़राब है, अभी धूप लग रही थी हल्की हल्की बट सूरज छुप गया। अब माय गॉड, नया फोन ले लिया है आज। दिखा सर कौन सा है। भाई का फोन खराब हो गया है। फोन है मतलब अच्छा है, ब्लू कलर का वन प्लस है। दिखा कवर यार, अच्छा फोन है, सिलिकॉन कवर है। सो फाइनली फोन ले ही लिया। अच्छा तो कैसा फील हो रहा है? ठीक है। अच्छा तो गाइज अभी आए थे हम शॉप क्योंकि भाई ने न्यू फोन लिया है और मुझे भूख लग रही है। अभी एक भी बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाने को बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पास्ता बनाती हूँ, तो अभी जाती हूँ पास्ता खाना। दीदी तो डाइटिंग पे, दीदी नहीं खाएगी। नहीं मैं भी खाऊंगी जब ऐसी चीजें, शिवरात्रि आ रही है ना तो फिर खाना तो पड़ेगा ना। हाँ शिवरात्रि में इतना सारा खाना बनेगा तो डाइटिंग तो दूर दूर तक कहीं दिखेगी नहीं। तो गाइस मेरा पास्ता हो गया है रेडी, ये देखो कितना यम्मी लग रहा है। मैं अभी सोकर उठ रही हूँ, कभी कभी दिन में मैं सो जाती हूँ और पता नहीं मैं कैसे अजीब तरीके से सोई, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे सोई अजीब तरीके से। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि कल शिवरात्रि है तो सब लोग घर जा रहे हैं, ये देखो। तो कल शिवरात्रि है तो ऋतु देवी घर आ रहे हैं और मैंने अभी कॉल करा कि मैं कभी तक पहुंची क्यों नहीं, तो वो बोलते मैं तो सोई हूँ रूम पर, हम तो नहीं आए। और उन्होंने मुझसे झूठ बोला, शायद सरप्राइज देना होगा। और मैंने मम्मी को बोला अभी कि वो तो नहीं आ रहे, और जब अभी फ़ोन करा उन्होंने तब बोलते कि हम तो आ गए, ठोक से नीचे पहुँच गए। मैंने कहा मुझे झूठ क्यों बोला, तो शायद उनको सरप्राइज़ देना था। तो वो लोग भी अभी आ रहे हैं, आपने उनको मतलब व्लॉग्स में काफ़ी कम देखा होगा, तो आज मैं उनसे मिलवाऊँगी। आज तक लाए कभी सड़े हुए मैंने? है? आज तक लाए कभी सड़े हुए? कई बार उस दिन पर सड़े हुए थे, मैंने नहीं लाए वो, मैं कभी सड़े हुए नहीं ला सकती। किनू अमरूद हाँ, और त्रिशवारी है उसके लिए लेस, ठीक है ओके। रितु दी और त्रिशु भी आ गया है और यहाँ पर भैया भी आ गए हैं। मैं आई हूँ अभी टेरेस पे क्योंकि यहाँ पर टैंकी फुल हो गई है, पानी गिर रहा है, तो अब बड़ी मम्मी को देना है पानी, उनको दे देती हूँ। यहाँ पर मिलन हो रहा है और गाइस ये रितु दीदी जो कि व्लॉग में कम दिखते हैं बहुत क्योंकि शिमला होते हैं इसलिए। नहीं है ऐसा, मासी के लिए क्या लाया, मासी के लिए क्या लाया? पर चाय बना रही हूँ सबके लिए। कितनी साल बड़ी हूँ मैं, कहाँ है रिमोट? 10 साल, 10 साल बड़ी है। दस साल बड़ी है। नहीं 10 साल नहीं है बड़ी यार, इतना थोड़ी है। ओ, इतना थोड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो सुबह से लाइट नहीं थी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, तो सब लोग नहा गए थे बट मैं नहीं नहाई, तो मैं अभी नहा कर आ रही हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है, और आप लोगों का भी क्या फास्ट है आज मुझे कमेंट में बताना, किन किन लोगों का फास्ट है। तो आज शिवरात्रि है तो घर में बहुत कुछ स्पेशल बन रहा है, आपके घर में भी बन रहा होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, थोड़ी देर में हम करने वाले हैं स्टार्ट, क्योंकि भाई कहीं काम से गया था, वो जो पूजा में यूज़ होता है ना जिसको पाचा बोलते हैं, उसको लाने कहीं गया गया था, तो अब शायद आ गया, मुझे आवाज़ भी आ रही थी। तो अभी किचन जाते हैं, बनाना स्टार्ट कर देंगे आज क्या क्या स्पेशल बनेगा शिवरात्रि पे। ये देखो यहाँ पर भाई आ गया है गाड़ी में पाचा लेकर। हाँ जी जैबर भाई, हेलो जी, हेलो। तो गाइस मम्मा भी आ गया है शॉप से और अभी दीदी आने वाली है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो आप? हेलो, हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि, चलो दिखाओ जल्दी। दिखा दिया क्या?
क्या किया है। तो गाइस दीदी ने क्या किया, शॉप में थी दीदी सुबह से, और दीदी ने कुछ कर दिया है अपने बालों का कमाल। देखा जल्दी, ये देखो ये उस सैलून वाले ने बोला कि ये ऐश कलर है। दीदी ने बोल सोचा कि चलो लगा के देखती हूँ, और दीदी हाइलाइट्स करने वाले थे, अच्छा वहाँ नहीं किया, ये कुछ अलग ही कलर निकल के आया है, बहुत गंदा लग रहा है, ये बाल कटवा दो यहाँ से, वैसे भी ट्रिमिंग कर लो हल्की हल्की, बाल अच्छे नहीं लग रहे, ये तो काटने ही पड़ेंगे, अच्छे नहीं लग रहे, ये शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा और बताइए मुझे, नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहा छी तो बंदर की तरह छी, नहीं दीदी ऐश कलर नहीं है, ऐश कलर बहुत अच्छा होता है, गोल्डन कर दूंगा बाद में। हाँ वो भी ठीक है, या तो कटवा दो या तो गोल्डन करवाओ, यार बड़ी मुश्किल से बाल बढ़ रहे, को है नहीं है बाल उतने से, तो बाल है। तो गाइस सबसे पहले बन रहा है संसा, फिर उसके बाद बाकी सब बनेगा, और इसको बना रहा है शेफ काजोल और इधर है शेफ सीमाक्षी शेफ, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, रितु, फिर है शेफ मम्मा। तो गाइस यहाँ पर अब पकैन बनना शुरू हो गया है, और इसको कोल्लू भी बोलते हैं रोडू साइड बोलते हैं शायद, कोल्लू हम बोलते हैं पकैन, हमारा तो जी ये पकैन है के पकैन। मम्मी क्या बोल रहे हैं पता नहीं, क्या बोला मैंने नहीं सुना एक भैया तो गाइस ये भांग का घोटा लेके आ रहा है, किसी ने बनाया है नहीं नहीं बहुत गंदा था वो, हमने पिया था एक बार शिमला में, मर गए थे पता है, एम्बुलेंस आ रही हो गया, वो बोलती अच्छा। हेलो कृष्ण कन्हैया दीदी की क्या हालत है, दीदी बता दो प्लीज, ये मेरा कृष्ण कन्हैया, ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, आशीर्वाद दो गाइस। ये है वो भांग का घोटा जो भाई लेकर आया है, इसमें ना फ्रूट्स है काफी सारे डाले हुए, तो मैं सब केले कर लेती हूँ। गाइस ये गरम है अभी, पर ये गरम होता है क्या कि ठंडा होता है, मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कैसा है मम्मी बताओ, इसमें ब्राइटनेस ही कम है, कैसा है, और अंगूर भी है, टेस्ट कैसा है इसका मम्मी आपको कैसा लगा, टेस्ट भी ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, मीठा है, मीठा है, ड्राई फ्रूट्स डाले। तो गाइस मैं ट्राई करती हूँ जरा कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, है तो अच्छा है पर गरम है, फिर मजा नहीं आ रहा गरम, जो गोटा शिमला में था ना वैसा नहीं, इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये जो हमने पिया था गरम है, फिर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, ठंडा नहीं बर्फ दे के लिए मना कर रहे, नहीं खा, तो दीदी ने तो नहीं पिया, दीदी ने पिया है, मम्मा ने पिया। हाँ जी हमारे कन्हैया लाल बोलो कौन है, अब देखो यह है हमारा चैनल और यह है हमारा कार्टून, तो यह है हमारी मम्मी और यह है हमारी मम्मा और यह है हमारी नानी और यह है हमारे चिमू और यह है हमारे मामू, मामू का है मामू, स्लेंडर स्लेंडर मामू, स्लेंडर मामू, ये क्या बोल रही है चीची, स्लेंडर को बोल रही है मामू, की स्लेंडर है हमारा मामू, ऐसे सिलेंडर मामू है आपके। गाइज अब यहाँ पर मीठे पकवान बन रहे, पहले नमकीन बनाए थे ये देखो, और यहाँ पर बन रहा है जो हम बड़े बनाने वाले हैं अभी, उसका पेस्ट मैंने यहाँ पर रेडी करा है, इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए जो हमारे बेसिक मसाले है सब कुछ, और इसमें हरा धनिया भी डाला है यहाँ देखो, और गार्लिक का पेस्ट बना कर डाला है, तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ सारा, तो गाइज यहाँ पर बड़े बन रहे हैं और कुछ यहाँ पर बन गए हैं, और ये मीठे वाले पकवान है ये देखो, सब काम में लगे हुए हैं।
तो गाइस शाम के 5 बज रहे और अभी हम बना रहे हैं पकौड़े, मतलब बनाने वाले हैं। इसके बाद अभी मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट बना दिया, इसने बहुत कुछ डाला है और यहाँ पर अभी भी बड़े बन रहे हैं क्योंकि अब तो खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बच्चा है। इसके बाद क्या मीठी रोटी बनानी है? नहीं, पहले पकौड़े बनेंगे। पहले पकौड़े, वो लास्ट में बनेगा, है ना। तो गाइस अब मैं लाने वाली हूँ महादेव को, मिट्टी के महादेव बनाने हैं और अभी वहाँ जाती हूँ बाहर, मिट्टी लेकर आती हूँ। और मैंने थाली ले आई है और उसको खोदने के लिए कुछ देखती हूँ, स्टोर में पड़ा होगा कुछ टूल, तो उससे मैं करती हूँ। फिर अभी जाती हूँ नीचे, देखती हूँ, भाई से मांगती हूँ, इसको पता होगा कहाँ रखा है। मम्मा बोल रहे थे कि बैक साइड में रखा है, तो चेक करती हूँ। गाइस अब मैं जा रही हूँ मिट्टी खोदने, अभी विनीत मेरे साथ आ रहा है और ये मैंने ले लिया, इसको फरुआ बोलते हैं। अभी मैंने से पूछा, चल फिर विनीत आजा, तो हम मिट्टी निकालते हैं, चलो। हम अभी पहाड़ी में चढ़ने वाले हैं। देखो कितनी ज्यादा पहाड़ी है यहाँ पर। विनीत हंस रहा है। बहने और मैं तो घूम रहा हूँ आराम से। गाइस यहाँ पर बन रहे हैं मालपुए, जिसको कि हम कहते हैं मीठी रोटी, और इस बार बहुत अच्छी बनी है, वरना पिछली बार टूट गई थी। इसको दरकोला एक और डालते हैं इसमें। इसके देखो हमारे शिव पार्वती और यहाँ है गणेश भगवान जी और यहाँ हमारे कान्हा भी है। तो गाइस जो मैंने मिट्टी लाई थी ना, उसके कुछ ऐसे शिव जी बनाए हैं मैंने। और ये देखो हमारा मंडप बन के रेडी है, तो अब हम थोड़ी देर में पूजा करेंगे। और ये देखो हमारा छोटा पंडित। तो गाइस 7:30 हो रहे हैं और हम अब जाके फ्री हुए हैं और अब हम पूजा भी करने वाले हैं। तो मैंने ढाटू पहन लिया क्योंकि पूजा करनी है तो बिना मतलब सर ढका होना चाहिए, इसलिए मैंने ढाटू पहन लिया है। और यहाँ पर दीदी भी बैठ गए, सब लोग आ गए, तो अब पूजा शुरू करते हैं। तो गाइस टिच्छू ने भी यहाँ पर ढाटू पहन लिया है, ये हमारी छोटी पहाड़। हाँ टिच्छू, हाँ क्या करना है बाप? मुझे क्या बनाना है? फ्रॉक। नहीं नहीं नहीं, ढाटू पहनना होता है, चलो पूजा करनी है अब हमने, फ्रॉक नहीं बनाना। गाइस हमने पूजा कर ली है, अब हम डिनर करने वाले हैं। और ये देखो पीछे क्या बनी है ढाटू, इसने ढाटू का क्या बनाया, लहंगा बनाया, क्या बनाया, फ्रॉक बनाया, फ्रॉक। पहले इसने पहना हुआ था ढाटू, अब फ्रॉक बना लिया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताना। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय एंड टेक केयर, बाय कर दो, बाय।